Hello everyone, this is Professor Neetu Ghai and once again you all are welcome to your own English class. Now students, I have make you learn the fundamentals of English. Hamara base taiyar ho gaya hai. Ab is base ke upar we will build up some topics. We will build up some pillars to strengthen your building of English grammar. Now in the building of English grammar, I'll teach you the most important topics which will help you to have a command over English grammar. Now, as I have told you the fundamentals of English, today I'm going to start the sentences. Now, I have taught you the basic sentence construction. अब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तो आ गया, बट सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स को क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, तो ये सब बेसिक है सेंटेंसेस का. तो टुडे आई टीच यू सेंटेंसेस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक एंड दैट इज सेंटेंस. नाउ सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स अ सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी है, जिसमें वर्ब भी है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी है, और यही सीक्वेंस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो क्या सेंटेंस के भी टाइप्स हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं. और कैसे होंगे? सी, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, लेट्स चेक इट आउट. सो द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. Declarative sentence, yes. Declarative sentence are those sentence which makes a declaration. जहां आप अपना opinion बता रहे हो, जहां आप अपना statement दे रहे हो, जहां आप अपनी राय दे रहे हो, एक बात बोल रहे हो, उसको हम बोलते हैं declarative sentences. Second है interrogative sentence, interrogative questions. Third है imperative sentence and the fourth is exclamatory sentence. अब और जानते हैं इन sentences के बारे में. तो अगर मैं interrogative sentence की बात करूं, interrogative sentences are questions. अब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, there are three types of question. Question तीन types के होते हैं. First is verbal question which begins with a helping verb. Second is WH question which begin with WH question word, and the third is rhetorical question. Now the answer of rhetorical question is never demanded. The question is asked just to create a deep impact on the minds of readers. The rhetorical question, kaise hote rhetorical question, just imagine a teacher is teaching in the class. मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास में और मैंने देखा कि आप मेरे नोट्स नोट डाउन नहीं कर रहे हो. मैं आपको नोट्स दे रही हूँ एंड इमेजिन यू आर नॉट राइटिंग डाउन द नोट्स. एंड इफ आई विल आस्क, आर यू नॉट राइटिंग द नोट्स, अगर मैंने आपसे ये पूछा क्या आप नोट्स नहीं लिख रहे हैं, अब आप बोलो हाँ तो भी आप फंसोगे, अब आप बोलो ना तो भी आप फंसोगे. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पे कमेंट करने के लिए होते हैं, उसके दिमाग पे चोट देने के लिए होते हैं, इनको हम बोलते हैं रिहोट्रिकल क्वेश्चंस. ओके, तो रिहोट्रिकल क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चन विच आर आस्क्ड जस्ट टू क्रिएट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ रीडर्स. तो अगेन आई एम आस्किंग यू, आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू माई क्लास, अब बोलो यस तो भी फंसोगे, बोलोगे ना तो भी फंसोगे. तो दिस इज रिहोट्रिकल क्वेश्चन. थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने अभी इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच की है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस हैविंग अ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड टू गिव एन इम्पैक्ट टू द सिंपल सेंटेंस. अगर मैं आपको बोलूँ दिस इज अ ब्यूटिफुल सीनरी, This is a beautiful scenery. ये होगा declarative sentence, जहां पर मैं अपनी राय रख रही हूं, मैं अपना opinion बता रही हूं एक scenery के लिए. Clear? अगर अब मैं इसको exclamatory sentence में बोलूं, What a beautiful picture it is.
व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगने के बाद ये सेंटेंस का इम्पैक्ट अलग ही हो जाएगा। क्लियर? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच आर रिटन या विच आर फ्रेम्ड टू एक्सप्रेस द इमोशंस क्लियरली। क्लियर? नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑर्डर्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट। ओके, कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट गो देयर। तो जब भी हम ऐसी कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी कोई ऑर्डर देते हैं, तो वो कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एक खास बात है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्ब। कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, कीप साइलेंस, डोंट गो देयर, जब मूव फ्रॉम हेयर, राइट डाउन। तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद वर्ब। अब मैं ये आपको क्यों सिखा रही हूँ बेटा, कि व्हेनेवर आगे जाके हम वॉइस पढ़ेंगे, हम स्पीच पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ताकि आप उन सेंटेंस को एज पर द रूल ट्रांसफॉर्म कर सको, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस टू पासिव वॉइस। तो जब भी आपको ये सेंटेंस पता होंगे, तभी आप वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तभी आप स्पीच के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ओके, लेट्स मूव फर्दर। नाउ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, दीज आर फोर सेंटेंसेस, फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस विच आई एम गोइंग टू टीच यू टूडे इन डिटेल। अब वन मोर थिंग, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम एसर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, याद रखना। नाउ डिक्लेरेटिव को एसर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ओके, अब पे अटेंशन, एसर्टिव सेंटेंस ना तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, दैट मीन्स वो कोई ऑर्डर नहीं है, वो इंट्रोगेटिव मतलब वो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी मतलब कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, दैट मीन्स एसर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगेगा, एसर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस वर्ब से बिगिन नहीं होगा, ये तीनों कंडीशन नहीं होंगी, तभी वो एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस हमेशा और हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा। क्या है ये? फुल स्टॉप। वन मोर थिंग, एसर्टिव सेंटेंस की हम बात करें तो एसर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट है। अब वो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और वो स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? वो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप पे एंड हुआ है। देखो, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, और ये सेंटेंस इम्पेरेटिव भी नहीं है बिकॉज ये सब्जेक्ट से बिगिन है। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, एसर्टिव टाइप का, एसर्टिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव बात कर रहा है। अब बात होती है नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट वो होते हैं बच्चा जिसमें हम नो, नॉट, नेवर वाले फ्रेजेस यूज करते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव फ्रेजेस यूज करते हैं ना करने के लिए, मना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले, अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट तो है,
इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये इम्पीरेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। तो ये दोनों ही सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस है, पर इसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। आई टीच यू हाउ टू ट्रांसफॉर्म एफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव टू एफर्मेटिव। उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू ट्रांसफॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस टू डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव टू एक्सक्लेमेटरी। हाउ टू ट्रांसफॉर्म डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव टू डिक्लेरेटिव। ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टेट बोर्ड में 100% आते हैं। इसलिए अगर ये बेसिक समझोगे तभी आने वाले रूल्स और एक्सरसाइज समझ पाओगे। ओके, अगेन आई एम रिकॉलिंग, डिक्लेरेटिव को एसर्टिव भी कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस मीन्स अ स्टेटमेंट जो एंड होगा फुल स्टॉप से, जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है, जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है और जिस सेंटेंस में वर्ब से बिगिन नहीं किया गया, ये तीनों कंडीशंस नहीं है, वो है हमारा एसर्टिव, दैट मीन्स डिक्लेरेटिव। एसर्टिव सेंटेंस टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव मीन्स ना, पॉजिटिव मीन्स हाँ। तो जब भी हम कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं उसको बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है ये बेसिक क्लियर हुआ ना? इसके बाद अब जब हमें सेंटेंसेस समझ में आ गए तो सेंटेंसेस के एंड में लगने वाले पंक्चुएशन मार्क्स, बेसिकली देयर आर थ्री मेन पंक्चुएशन मार्क्स व्हिच एंड अ सेंटेंस। सो फर्स्ट वन इज पीरियड। पीरियड नाम सुना है कभी? कभी नहीं सुना? पीरियड मींस अ फुल स्टॉप, जिसको आप इजी लैंग्वेज में बोलते हो फुल स्टॉप, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में या ग्रामर की लैंग्वेज में बोला जाता है पीरियड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क, थर्ड है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो बेसिकली ये तीन पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिससे हम सेंटेंस को एंड कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एंड में लगेंगे। अब इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच है तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, पर एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एंडिंग में लगता है। तो पीरियड, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, दे आर यूज्ड टू एंड अ सेंटेंस। आप कॉमा से सेंटेंस एंड नहीं कर सकते, आप सेमी कॉलन से सेंटेंस एंड नहीं कर सकते, बट इन तीनों से आप कभी भी सेंटेंस को एंड कर सकते हो। क्लियर? नाउ अब व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, what is this? This is period. That means this is a full stop in your language and this is used to end a sentence. Full stop कभी भी sentence के बीच में नहीं लगता, full stop sentence के end में लगता है, and period is the name of full stop in English grammar. Okay, check out next. Now full stop, question mark and exclamation mark, these are the three punctuation marks used to end a sentence. Done? Check out next. Okay. Exclamation point, period and question mark. Samajh mein aaya? Okay. Check out next. Now, declarating sentences. Jaisa maine aapko intro mein bata diya, declarative sentence kya hota hai? Declarative sentence simply a statement hota hai. Aapka opinion hai. आपकी राय है, आपका थॉट है, आपका विचार है। इट एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, इन अदर वर्ड्स इट मेक्स अ डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन करता है। अब डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। समझो कि डिक्लेरेशन होता क्या है। डिक्लेरेशन जहां आप अपनी राय रख रहे हैं, अपना स्टेटमेंट रख रहे हैं। डन? नाउ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ पीरियड, दैट मीन्स हमेशा और हमेशा वो सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में
हमेशा और हमेशा फुल स्टॉप यूज होता है. क्लियर? अब चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो तो भी फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस हो तो भी फुल स्टॉप, तो एंड किससे होगा? वो फुल स्टॉप से. क्लियर? ओके. नाउ डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में. ओके, सी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आई लव हनी. नाउ सी, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट. पॉजिटिव सेंटेंस है, एंड किससे है? वो फुल स्टॉप से. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आप अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी राय रखते हैं, अपने विचारों के बारे में बताते हैं, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा और हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा. अब ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर मैं नेगेटिव लिखूं, आई डोंट, अब डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हैं, आई डू नॉट लव हनी, एंड्स विथ फुल स्टॉप. तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. क्लियर? नाउ सी, माय मदर इज अ नर्स, मेरी माँ नर्स है, तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगा है. क्लियर? ओके, चेक आउट दिस, आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, आई वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिशियन, आई वॉन्ट टू बी अ एक्टर. तो वेन एवर यू आर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, उसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखते हैं. सी, आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, मैं एक अच्छा राइटर बनना चाहती हूँ. सो दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एंड में फुल स्टॉप लगा है, अब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगे हैं, बिकॉज ये थॉट है, आपके विचार हैं. क्लियर? आप बोल रहे हो डायरेक्ट स्पीच में. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट, माय फ्रेंड इज अ रियली गुड राइटर, मेरा फ्रेंड वाकई में बहुत अच्छा राइटर है. अब ये भी क्या है? आपका विचार, आपकी राय. सो दिस इज एन ओपिनियन, दिस इज अ स्टेटमेंट. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस योर ओपिनियन, विच एक्सप्रेस योर थॉट्स, एंड विच आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, बट दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप. नन, तो टुडे आई हैव टॉट यू द इंट्रोडक्शन ऑफ फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पीरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. एंड टुडे आई हैव गिवन यू द डिटेल अबाउट द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. इन माई कमिंग वीडियोज यू विल कम टू लर्न अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इम्पीरेटिव सेंटेंसेस. और इसके बाद आई विल टीच यू द टॉपिक हाउ टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन इन द एग्जाम. इसके ऊपर जो हम एक्सरसाइज करेंगे बेटा, वो स्टेट बोर्ड में कंपल्सरी आती ही आती है. एंड यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश ग्रामर इफ यू विल पे अटेंशन ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर इंग्लिश क्लास. सो ऑल दिस फॉर टुडे, जस्ट नोट इट डाउन व्हाट आई हैव टॉट यू, एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट जस्ट कनेक्ट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप. ऑल दिस फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.